सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है यार आज आपका एक और नई वीडियो में। और अब भी टाइम बज रहा है 3:30 और अभी इस टाइम जा रहे हैं मार्केट श्रीनगर की, जो के मतलब संडे को मार्केट लगती है, वो बहुत मशहूर है, काफ़ी फेमस मार्केट है। जैसे मतलब जम्मू में लगती है, फिर संडे को कहीं भी मार्केट लगती है, तो वैसे ही श्रीनगर में लगती है। तो आज मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो चलो फिर चलते हैं और आपको भी करवाता हूँ। और बाकी वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको? आप तो बता ही नहीं रहे कमेंट करके। यार बताओ गाइस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है? सो चलो फिर चलते हैं आज। और शायद से ये मेरा आज आखिरी दिन रहने वाला है यार श्रीनगर में। कल मैं शायद से घर जा रहा हूँ। हाँ निकल जाऊँगा कल यार, बहुत टाइम हो गया, 5 घर भी जाना है, फिर वापस जाना है शिमला। तो चलो ठीक है, पहले मार्केट चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ बाकी की चीज़ें क्या क्या रहता है आज अपना मार्केट में। और आज डिसाइड किया कि चलो पैदल घूमते हैं यार, काफ़ी हो गया बाइक पे। और मार्केट यहीं से लगती है नीचे, तो मतलब मार्केट जाना बाइक का कोई फ़ायदा नहीं होगा मार्केट के साथ। चलो फिर बाइक पहले अंदर लगाता हूँ उसको, फिर उसके बाद देखते हैं। सो गाइज, मैं आज आपको लकड़ी का पुल है इधर यहाँ पे, उसकी सैर करवाता हूँ यार। ये रहा उस पुल से, तो हम हमेशा जाते थे बाइक पे, तो आज इस पुल से हम जा रहे हैं पैदल ही लकड़ी का। और इसके नीचे भी सेम झेलम है, ठीक है, ज़ीरो ब्रिज। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बैठने के लिए लगाए हुए हैं अंदर, बढ़िया बनाए हुए, कैफेटेरिया टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे खाने पीने के लिए भी सब सामान। और देखो बाहर चेयर वेयर लगाई हुई है, इस साइड भी, इस साइड भी। और मतलब ब्रिज पे ही इन्होंने एक बिजनेस खोल दिया है यार। और पीछे देखो, यहाँ पे झेलम आ रही है पीछे से, और यहाँ से बह रही है। और अभी झेलम में भी कुछ लोग वो कर रहे हैं, फिशिंग वगैरह कर रहे हैं, या फिर अपना अपना काम जो भी सब करते हैं। कीप ज़ीरो ब्रिज क्लीन, ये देखो ज़ीरो ब्रिज, ये पूरा पूरा यहीं पे खुला हुआ है यार। ब्रिज के ऊपर ही इन्होंने शॉप्स खोल दी हुई। चलो फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलते हैं। यहाँ से देखो पूरा ज़ीरो ब्रिज, पूरा लकड़ी वाला ब्रिज यहाँ से दिखता है। और नीचे ये जब झेलम आती है ना, तो बहुत ज़्यादा आती है, बहुत इतने दिन तक आ जाती है शायद से। ये जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ तक, अभी देखो कितनी डाउन है। और जब बरसात, तगड़ी वाली बरसातें आती है ना, तो ये पूरी भर जाती है इतने दिन तक। सोचो उस टाइम पर कितना गहरा और कितना ख़तरनाक मंजर होता होगा। और मैंने पहले ही बताया था कि ये पाकिस्तान में जाके कनेक्ट होती है, अगर किसी को जाना हो विदाउट एंट्री, एनी एंट्री, तो परमिशन इसमें जा सकता है बढ़िया तहर के पाकिस्तान तक। और ये बोट हाउस देख रहे हो ना आप लोग, ये लोगों के खुद के पर्सनल बोट हाउस होता है। जो लोग घर नहीं बनाते हैं ना, वो ये चीज़ बनाते हैं और इसी में अपनी पूरी ज़िंदगी काटते हैं। घर होते होंगे कहीं अल्टरनेट, मतलब लाइक रूम रेंट पर ले लिया, पर मैक्सिमम देखो जैसे वो लेडी है वहाँ पर कपड़े सुखा रही हैं, धोना छोना खाना पीना रहना सब कुछ इसी में होता है, सब कुछ इसी में होता है इनका। मतलब क्या मतलब लगता होगा यार, वैसे एक पता है मौत का होगा जैसे, मतलब जब पानी आएगा डर सा, जब बरसात के मौसम में ज़्यादा बरसात हो जाती है तो पानी जब भर जाता है, इनको थोड़ा डर लगता होगा यार। तो गाइज यहाँ से हो चुकी है अपनी मार्केट स्टार्ट, ये पता नहीं क्या है पीछे से मार्केट, लेकिन हम सीधा यहाँ पे निकले डायरेक्ट। और ये देखो, ये पहला स्टेप है यहाँ पे मार्केट का, हैशटैग पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वेलकम। सो यहाँ से इनकी मार्केट स्टार्ट होती है। और थोड़े उधर आवाज़ें लगा रहे, ठीक है, 100 का दो, 200 के दो, ये देखो पूरा देखने को मिल रहा है मार्केट, पूरी मार्केट में जूते हो गए, कपड़े हो गए, हर चीज़ की चीज़ आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगी। और ये मार्केट बहुत दूर पीछे से लेके बहुत दूर आगे तक है। ये देखो उस साइड कपड़े, इस साइड जूते उत्ते वगैरह, देखते हैं वाला क्या मिलता है अपने को अच्छे से। ये देखो यहाँ पे जगह जगह पे, देखो यहाँ पे मार्केट, देखो यहाँ पे पूरी मार्केट लगी हुई है, हर तरह का सामान मिल रहा है यहाँ पर। मेरे को एक गिम्बल लेना था यार, वो गिम्बल पूछता हूँ, गिम्बल है यहाँ पे
जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा मैं सब दिखाऊंगा आपको, ठीक है, पूरी मार्केट एक्सप्लोर करवाऊंगा, इसलिए मैं पैदल आया हूँ आज, ताकि मैं पूरी मार्केट एक्सप्लोर कर सकूँ। ये देखो यहाँ पे पूरा लकड़ी का सामान मिल रहा है, हैंडमेड चीज़ें मिल रही हैं, और रेट भी ज़्यादा मतलब महंगे नहीं है यार, बढ़िया तुम्हें बड़ी ज़्यादा 500 हो गया, 4500 यही, और वो चीज़ बहुत अच्छी होगी, मतलब ऐसे तुम कंपेयर करोगे ना बाहर, वो चीज़ तुम्हें 4500 में बहुत अच्छी मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पे जब संडे मार्केट होती है तो मतलब लोग ना बहुत दूर दूर से आते हैं, मतलब जैसे दूर दराज गाँव के बंदे हो गए। ये देखो यहाँ पूरा पूरी मतलब जैसे बिछाई हुई है यार, हर तरह का गिलास कांच का मिलेगा आपको, हर तरह की चीज़ मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी है यार चीज़ों की, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है। और ये हफ्ते में सिर्फ एक बार लगती है मार्केट। यहाँ पे कर्टन कूंटर्स देखो, पीछे देखो, मतलब मार्केट में ना हर तरह की चीज़ है यहाँ पे, कंबल से लेके मतलब क्या बोलूँ यार, जो जो तुम्हारे दिमाग में आता है कि मार्केट में क्या चीज़ अवेलेबल हो सकती है वो तुम्हें पूरी मिलेगी। साथ साथ में यहाँ पे रोड है, रोड के उस साइड भी मार्केट लगी हुई है, रोड के इस साइड भी लगी हुई है, उस साइड भी लगी हुई है, ये कोई पूरा मतलब यहाँ से लेके कुछ किलोमीटर में फैली हुई है पूरी। और ज़्यादातर मैक्सिमम लोग ना पैदल ही आते हैं क्योंकि पैदल सबसे सही रहता है। ये देखो यहाँ पे पोलो व्यू मार्केट, यहाँ पे अभी हम कोठी बाग मार्केट में, यहाँ पे आपको मैक्स वगैरह देखने को मिलेंगी, बेडशीट्स वगैरह देखने को मिलेगी, कर्टन्स वगैरह देखने को मिलेंगे ज़्यादातर इस वाली मार्केट में, कोठी कंबल वगैरह देखने को मिलेंगे, और साथ में छोटी मोटी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो पैंट्स वगैरह हो गए, जैकेट्स वगैरह होगी, और टी शर्ट्स कर्टन देखने आगे कर्टन, और रेट भी बड़े वो हैं यार, ये चीज़ें कितनी प्यारी हैं, जब अंदर भी चलेंगी तो। और गाइस ये रहा लाल चौक, ये देखो ये रहा यहाँ पे लाल चौक, और ये देखो यहाँ पे इंडिया का झंडा लहराता है एवरी ईयर 15 अगस्त या फिर कोई भी रिपब्लिक डे होता है, ठीक है, कोई भी मतलब वो होता है तो यहाँ पे झंडा। और पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये लाल चौक पे ना पहले जब कांग्रेस के टाइम पे ना यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराता था, पता है, यहाँ पे लोग पाकिस्तान का झंडा लहराते थे, पर अभी आफ्टर मोदी के बाद ना ये चीज़ इतनी क्लियर होगी ना, देखो और भी यहाँ पे इंडिया का झंडा लहराता है, और ये लाल चौक पूरी मार्केट है, पूरी लाल चौक ये मार्केट है, ये लाल चौक इन कश्मीर, ये है वो लाल चौक, देख लो आप लोग। और ये यहाँ से पीछे की मार्केट, लाल चौक से पीछे की मार्केट, और यहाँ पे मैं तो जूस पी लेते हैं यार, जूस किधर हो बटमालू, क्या करने की उधर, जल्दी आओ यार, मैं लाल चौक पे हूँ, इधर से सामने देखो लाल चौक, जल्दी आओ, कितने लगेगा, जल्दी आओ जल्दी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भैया बिहार से लगते हैं या फिर यूपी के लगते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी रेडी वगैरह लगाई। देखो यहाँ पे गाइस हम लाल चौक क्रॉस करने के बाद यहाँ एक पुल पे आ गए हैं, ठीक है, पता नहीं गनी का मार्केट, नीचे से वो झेलम ही भैरी है, ये देखिए, और यहाँ पे मतलब पुल के ऊपर भी मतलब मार्केट लगाई हुई है, देखो सब कुछ सामान इधर भी मिल रहा है, सब कुछ जो भी चाहिए तुम लोगों को। और उसके साथ में ना एक हनुमान जी का मंदिर देखो, ये साथ में ये हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ है, ये देखो गाइस ये चप्पल ले लिए मैंने यार, ये देखो यहाँ पे तुम्हें कांच का सामान मिलेगा, पूरा ग्लास वगैरह हो गए, कप वगैरह हो गए पूरे, ये देखो यहाँ पे बर्तन वर्तन सब इधर मिल रहे हैं, ये वाले रूम आते हैं। गाइस यहाँ पे हमारी मार्केट, हमारी क्या इनकी मार्केट ख़त्म हो गई है, और हमारा भी हो गया है, बस लिया कुछ भी नहीं है एक चप्पल के सिवाय, ठीक है, तो पूरी मार्केट घूम ली मैंने और कुछ भी नहीं मिला अच्छा लेने के लिए, पता था भी यार पर पता नहीं एक ही तरफ जाए ना हम, तो वो दिक्कत वो आई,
यहाँ से अब लेते हैं गाड़ी, लेते हैं ऑटो और चलते हैं रूम। ठीक है फिर मिलते हैं रूम में। ओह व्यू देखो यहाँ से, मार्केट देखो, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर मार्केट लगी हुई है। संडे मार्केट ड्राई फ्रूट्स गाइस। सो आफ्टर हम यार आ गए हैं वो करने के बाद, पूरी शॉपिंग शॉपिंग करने के बाद, या क्या जो भी मार्केट गए थे उसके बाद, अब चल रहे हैं रोम। और देखो साथ में यहाँ पे पार्क बनाया हुआ है, यहाँ पे इनकी बढ़िया रोड शोड बनाया हुआ है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से। और करते हैं इसके साथ ही ये झेलम साइड का पार्क है, और फिर करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में। और बाय बाय श्रीनगर कश्मीर, कल मैं वापस जा रहा हूँ घर, तो फिर मिलते हैं घर में जाके। Yeah.